के लग सकते हैं इंजेक्शन और डिजूम किचन मेरा नीट एंड क्लीन हो चुका है और यहाँ पर सिद्रा आ चुकी है, सफाई कर रही है और साथ साथ दरवाजा बज रहा है। कौन आ गया? बेल किसने बजाई? हाँ जी बोलो, क्या चाहिए? साइकिल ले ले। को चाहिए था शरबत। ये आके बैठ गया, मोबाइल ले लिए इन्होंने। खुल भी जाओ भाई, खुल जाओ। अगर कम लग रहा है हम और डालेंगे इसमें। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये लो, नीचे ना गिरे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और मज़े में होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दिन का आगाज़ हो चुका और एक नया व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, व्लॉग स्टार्ट होते ही मैं आप लोगों को क्या याद कराती हूँ, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, मस्ट है, लाजमी कीजिएगा। आजकल मैं व्लॉग यहाँ से इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ कि यहाँ पे आजकल मौसम बहुत मज़ेदार और फ्रेश फ्रेश ताज़ी ताज़ी हवा आ रही है और मौसम देख रहे हैं आप, जैसे बारिश होने वाली होती है ना, ऐसा मौसम है। वरना हमेशा मैं यहाँ से दूर होकर बोलती हूँ, देखो खिड़की में कितनी धूप है। आजकल ऐसा हो गया कि मैं ये नहीं कह सकती कि धूप है, आजकल मौसम मज़ेदार और ठंडी ठंडी हवा है। जो देख रहे हैं ना दरवाजे पटाख रहे, डस डस डस, ये भी हवा चल रही है। अभी अभी हमने खाना खाया, बच्चों ने बस ये खाकर उठे ही हैं, तो उठते फौरन ये देखे भाग गए हैं मोबाइल लेके व्लॉग देखने। अभी थोड़ी देर में आप लोगों ने जाना है ट्यूशन। हाँ, बारिश का मौसम तो बना हुआ है पर मौसम देखते बोलते हैं छुट्टी। और जल्दी जल्दी से मैं यहाँ से ये बर्तन उठाऊँ। काम काज से तो जान छूटती नहीं है, तो बस ये कि काम 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 से थक जाएं तो फिर भी हम करें काम। यहाँ पे मैंने मुस्तफ़ा के लिए सैंडविच बना दिया है, रोटी तो उसने खाई नहीं है, तो अब मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ बच्चों को दे दूँ, वरना बच्चे भूखे हो ना तो फिर रोते रहते हैं सारा दिन, मांगते भी कुछ नहीं खाने को और सारा दिन उनको रोना रोना आ रहा होता है और वीक भी हो जाते हैं खाना अगर टाइम टू टाइम ना खाएँ। और मुस्तफ़ा में तो पता नहीं क्या मसला है, वो खाना खाते ही नहीं है। वो शुरू से जो है ना, यहाँ पे छुरी थी मेरी, शुरू से वो जो है ना अटरम पटरम खाएगा, वो रोटी नहीं खाता है। इसको अब मैं कट करती हूँ। गाढ़ा गाढ़ा बेसन नमक और हल्की सी मिर्च डाल के लगाया है और इसको डिप करके बना दिया है। शौक से खाता है, पकोड़े भी शौक से खाता है और ये बेसन की बनी हुई चीज़ें भी। मुस्तफ़ा आपका सैंडविच रेडी हो चुका है, इसे पूरा फिनिश करो फिर मैं आपके कपड़े चेंज कराऊँ। बच्चों का ट्यूशन जाने का टाइम हो चुका है और मेरा जो है वो अम्मी के घर जाने का टाइम हो चुका है, पर पता चले रास्ते में बारिश हो जाए क्योंकि मौसम बहुत हसीन और बहुत आला हुआ है। तो यहाँ से मैं ले लूँ अपना बैग और चलते हैं अम्मी की तरफ। तो रास्ते में इतना अच्छा मौसम बना हुआ है, बारिश भी बनी हुई है, तो बस अम्मी की तरफ जा रही हूँ। और कल भी जब हम वॉक कर रहे थे ना तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी और यहाँ पे मम्मा इंतजार कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं अम्मी के घर आ चुकी हूँ, अम्मी ने आती ही देखा मुझे और चाय बनने रख दी। और अम्मी का ये सूट गुल अहमद का मुझे इतना पसंद है ना, अम्मी जिस टाइम मुझे मौका मिला ना मैंने भी यही इसी तरह वन पीस लेना है, मुझे बहुत पसंद है। हाँ ये भी हो सकता है, मैं अम्मी के कपड़े भी लेके पहन सकती हूँ क्योंकि मेरी अम्मी इतनी स्मार्ट है। मेरी खैर मेरी अम्मी बल्कि मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है। और आपका ब्लॉग क्यों बनाऊँ? एम ही आप वायरल हो जाओगे, आपका नहीं बनाना। वायरल आए, वायरल आए, पुत्र है पहले ही वायरल है, ये तो ऑलरेडी वायरल बेबी है ना। हाँ जी क्या इधर बैठूँ? हाँ। बैठ गई। हाँ ये चेंज है, ये चेंज है। हाँ हर बंदा मिलता है, हर बोल पे पेजेस पे भी हुई है, अब तो लोग मिलते भी हैं, लोगों के भी मिलियंस हो गए। मुस्तफा की वीडियो शेयर करने से लोगों के भी मिलियंस हो गए हैं। वैसे खुशी होती है, अच्छा लगता है जब अच्छे मायने में आपकी वीडियो वायरल होती है। अगर के बुरे मायनों में वीडियो वायरल हो तो कानों में सुकून आने लग जाता है। खैर अल्लाह मियाँ जो है सबके लिए बेहतर बेहतर करे। अब इसमें डलेगी पत्ती। अभी अभी मैंने असर की नमाज़ पढ़ी और ये साथ मेरे कमरे में आया, तकियों का पता नहीं क्या बना दी। क्या बना रहे हो? ट्रेन बना रहे हो? अभी नानों ने देखा ना, नानों ने गुस्सा करना, पता नहीं कहते अपने घर में मस्ती नहीं करते, हमारे घर आके तकिए गदियाँ सब ले लेते हैं। हंस के कहती बच्चे नान के आए हैं और बच्चे जब नान के आते हैं ना ये सारे उल्टे काम करते हैं और एक के नहीं सबके बच्चे करते हैं। ये पियानो है, डिंग 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 टिंग। बुने शिकंजी बना के इसके बीच में रखी है, पूरी बोतल इसी की भरी है, इसी की है लिंबू पानी। सोफा की अभी नाना बू से कैसे लड़ाई हुई है? किसने कहा था नाना बू से मस्ती करो? अभी लड़ाई करते हैं यार, अभी मैं ठीक करता हूँ आप। नाना बू से दोस्ती कर लो, बहुत मजे का मिलेगा ये नींबू पानी, अच्छा मजे का बना हुआ है, नींबू अच्छे हैं। वन अक्सर ऐसा होता है ना कड़वे कड़वे अजीब से होते हैं ना, ये कड़वे नहीं है, ये नींबू से खट्टे मज़ेदार से हैं। आ जाओ पीने, ये लो ले लो, मुझसे ले लो आओ। ये सावन का महीना है ना, तो नींबू पानी जो है पीना चाहिए और दोपहर के टाइम खाने के साथ जो है
कच्ची प्याज होनी चाहिए। ऐसे घरेलू टोटके बहुत जबरदस्त होते हैं। तो कौन आ चुका है? अस्सलाम वालेकुम, कहाँ गए मेरे? नेट की फीस जमा कराने गया था, अभी अपनी दवाई लेके आया हूं। गले की गला नहीं ठीक हुआ? अच्छा, जब काम से आए थे तब ब्लैक शलवार कमीज थी, वो कहाँ गई? वो मैंने उतार दी। इतनी जल्दी कपड़े चेंज करके रफ कपड़ों में आ जाता है, हमेशा इजी कपड़ों में ही नजर आता है। सूरत अच्छे कपड़े वो उतार के अलमारी में, क्योंकि आदत नहीं है, आदत नहीं अच्छे कपड़े पहनने, थक जाते हो। बाद तो ऐसे होता है कि बंदा नए साफ सुथरे कपड़े पहनता है ना, आधा घंटा नहीं गुजरता थक जाता है। ऐसे कपड़ों में जो इजी रहूं मैं। हाँ ये है, वैसे इजी कपड़े होने चाहिए। अच्छा, ज्यादातर लोग जो है ना इजी कपड़ों में रहते हैं। खैर, अभी पता नहीं हस्बैंड कब तक आते हैं, उनके फोन का इंतजार कर रही हूँ, अभी तक वो आए नहीं है। नींबू पानी बहुत मजे का, पी के देखो। गला खराब है, इससे इसमें नमक भी डाला हुआ है, इससे नहीं गला खराब होता। हस्बैंड की तो अभी तक कोई कॉल नहीं आई, तो बस अभी मैं घर जा रही हूँ और घर जाके देखिए रात के खाने का क्या करना है। घर चलते हैं, तो कुछ समझ नहीं आती पकाने का क्या ले। तो चलो जल्दी से आ जाओ। इब्राहिम अहमद लोगों का बैड इधर ही था, तो ये साथ लेके जा रहे हैं अब घर। और बच्चे आएंगे जब ट्यूशन से, नानों से पूछेंगे तो उनको बता देना बैड मुस्फा ले गया, बॉल भी ले गया। हाँ बॉल भी मेरे पास, वो बिल्ली को नहीं मारने थे, आराम से लेट गई। आ जाओ आ जाओ। ये किसने गंदा काम कर दिया, पिचकारी मार दी। हमारे कराची में ना लोगों को तमीज़ नहीं है। पूरे रास्ते मुस्तफा के इस बैड ने इतना परेशान किया ना, मुझे पकड़ना पड़ता है और जिससे खुद पकड़ते हैं तो नीचे रुबड़ते हुए ला रहे थे। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, नाश्ते के साथ हाजिर हो रहे हैं आज तो। ये क्या रोल समोसे आप? अभी अभी मैं सोच रहा था कुछ खाऊं, हल्का फुल्का भूख लग रही है और मैंने दिन में कम खाया था डाइट के चक्करों में, और ये रोल समोसे ले आए हैं। और बताओ मैं कैसे हाथ रोकूंगी जब आपको हल्की हल्की भूख लग रही हो और आपके आगे रोल समोसे हो, तो क्या करूंगी मैं? या कोई डाइट वाली चीज़ लाया करें ना आप भी डाइटिंग शाइटिंग सोचें थोड़ा कोई हल्की गजा लाया करें, कोई जलेबी समोसे कम कर दें। मैं क्यों डाइट करूं? क्योंकि आपकी बीवी को करनी पड़ रही हो, आपको लेकर जाऊंगी लंबी सी वॉक करने और आप मेरे साथ फिर चलोगे लंबी वॉक करने। फिर नहीं बोलना, समोसे भी खाऊंगी, रोल भी खाऊंगी और लंबी सी वॉक करके भी आऊंगी आपके साथ। सही है ठीक। तुम ये खोल रहे हो, पहले इसका एक कुंडा टूट गया है, छोड़ो इसको यार, ये कुंडा भी ठीक करवाना है। और आपने ट्यूबलाइट का पता नहीं किया, ये देखो ये कुंडा तोड़ दिया है, इसका कुंडा है मैंने यहाँ रखा हुआ था। ये देखिए ये बच्चे जो है ना हमेशा कुंडा शुंडर तोड़ देते हैं, और आपने ट्यूबलाइट का पता नहीं किया? नहीं। पता कर लो यार, वो पक्का पक्का अपनी बना के भूल चुका होगा, उसको याद भी नहीं होगा कोई मिस्टर बिलाल आए थे, ट्यूबलाइट दी थी और बोला था सेट हो जाए ठीक हो जाए। अभी मगरिब की नमाज पढ़ी और साथ में पढ़ी है सूरह वाकिया, और लाजमी मगरिब के टाइम जो है सूरह वाकिया पढ़नी चाहिए। इनके सर में दर्द हो रहा है, इन्हें मैंने देनी थी दवाई, और ये रखी हुई पैनाडोल और ये रही पानी, ये पकड़ें। क्या वजह आपके सर में दर्द? मैं तो नहीं हूँ, अक्सर लोग कहते हैं ना बीवियाँ सर का दर्द होती है, मुझे बताएं क्या मैं सर का दर्द हूँ? अपनी तारीफ लेने क्या? मैं अपनी तारीफ करवाना चाह रही हूँ, आप बोल रहे सर का दर्द हूँ। सर दर्द चला जाए? नहीं जा सकता, आपने अपने पल्ले खुद बांधा है। कबूल है कबूल है कबूल है कह के, ये मेरा कसूर नहीं है। उस वक्त कारी साहब से कहना था ना कि प्लीज़ हम ऐसा कुछ भी कबूल करने वाले नहीं हैं, अब क्या कर सकते हैं। तुम इतनी मशक्करियाँ कैसे कर लेती हो, मुझे तो बिल्कुल बात भी नहीं होती। मैं ऐसी ही हूँ, और अब इनको मैं देने लगी चाय ताकि इनके सर का दर्द ठीक हो, फिर इनको लेके जाना मैंने जॉगिंग करने। लगा दो इसको, नहीं हाथ लगाओ इधर दें, जॉगिंग ये रखते हैं हम यहाँ पर। मैं गर्म सी चाय पकड़े पकड़े पकड़े, रात में ये रिफ्रेशमेंट है जो अभी हम खाएंगे चाय के साथ। ये पकड़िएगा पकड़िएगा, मैंने मेरी चाबियाँ ये लो। अहमद इब्राहिम आज रिफ्रेशमेंट हो रही है, आप लोग भी आ जाओ। कैबिनेट से ये दो शॉपर निकले हैं बेसन के, और मैं सोच रही हूँ कड़ी बना लूँ। हस्बैंड से पूछती हूँ, अप्रूवल मिल गया तो कड़ी बन जाएगी, नहीं मिला तो फिर कुछ और बनाएंगे। और ये अंदर लेट चुके हैं, इनके सर में दर्द था, तो हम आराम से जाके पूछते हैं। बात सुने, कड़ी बना लूँ? हाँ कड़ी। मैंने कहा आपका अप्रूवल मिलेगा तो फिर उसके बाद ही जो है कुछ पक सकता है। तो मैंने अभी कैबिनेट में देखा है, दो बेसन की थैलियाँ निकली अंदर से। कड़ी बना लो, कड़ी पकौड़ा। और ये कितनी देर का सर दर्द है ये भी मुझे बता दें, ताकि उसके बाद मैं आपसे आके बातचीत कर सकूं। आधे घंटे बाद, घंटे में ठीक हो जाएगा? पक्की बात है, इंजेक्शन की जरूरत तो नहीं है? नहीं। पक्की बात है, नहीं तो मैं लगा दूं। वो लेटे भी आप इसी स्टाइल में के लग सकते हैं इंजेक्शन और डिजूं। चलो मैं जा रही हूँ कड़ी पकौड़ा बनाने, और अगर कुछ सामान चाहिए हुआ तो नहीं हो सकता उसमें, मेरे पकौड़ों का मसाला नहीं है। आधे घंटे में सर दर्द को बोलो जाए यहाँ से और मुझे मसाला ला दें, ठीक है? आ रही हूँ।
कड़ी पकौड़ा बना रही थी, पकौड़ों का मसाला बना लिया और यहाँ पर कड़ी कड़ रही है मज़ेदार सी। और उसके बाद ये वाले जो पकौड़े बनेंगे ना तो उसमें ऑयल में बनते जाएंगे। बस ये कि मैं मसाला बना लूँ पकौड़ों का। कड़ी यहाँ पर पक चुकी है और बहुत ज़्यादा कड़ कड़ के आप ये देख सकते हैं देगचे पे सारी लगी हुई है। ये मैंने इसको काफ़ी देर पकाया है। कड़ी हो गई है डन। कड़ी बनाइए, कड़ी हमेशा ज़्यादा हो जाती है और कड़ी हमेशा शेयरिंग होती है, वरना तो आपको बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि कम भी बनाओ ना तो कड़ी का कुछ टेक्सचर ऐसा होता है ना कि वो ज़्यादा ही होती है। खैर ये मैंने अम्मी लोगों के लिए एक प्लेट निकाली है। इब्राहिम इधर आओ, ये नानू लोगों के ले जाओ। पड़ोस में जो भेजनी है वो फिर अहमद ले जाएगा। ये गिरनी नहीं चाहिए, ऐसा ना रास्ते में गिरी हो। ऊपर तो ये लो अहमद, ये पड़ोस में देख रहा हूँ, और गिरनी नहीं चाहिए। कड़ी बन गई है, साथ में रोटियां भी बन गई हैं, खाना मैंने लगा दिया है और बच्चे रूम में हैं, तो चले अब हम उनको बुलाते हैं बाहर। आजो खाना बन गया, आजो बाहर। अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा ली और यहीं से मैं व्लॉग को एंड कर रही हूँ। और आज मेरा इतना मूड था कि बारिश हो जाती, मौसम बना हुआ था पर बारिश नहीं। लोग भी दुआ करें, मैं भी दुआ कर रही हूँ ढेर सारी कराची में बारिश हो जाए, क्योंकि बारिश इतने दिनों से नहीं हो रही। बस अल्लाह करे बारिश हो जाए। बारिश चाहिए तुम्हें? जी बारिश चाहिए। व्लॉग एंड करो कि बारिश हो जाएगी। जी तो बस ये है कि आप लोगों ने करना क्या है, आपने व्लॉग को लाइक करना, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। और मेरा मोबाइल यार, मोबाइल हुई बारिश यार, ये हुई क्या? मेरे मोबाइल में जाएगा। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। बारिश का शौक था ना तो बारिश का ये लो और लो। यार मैंने मुस्तफा से गन छुपाई थी, आज कैसे आप पे आई है? मैंने जानबूझ के ढूंढ के रखी। अच्छा बस बस बस। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन मस्ट है। मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बाय 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 बाय। यार मेरी आंख में ये मिर्च वाला पानी है। मिर्च वाला दी यार, फोन में जाएगा ना कि क्या हो रहा है यार, ये फोन में जा रहा है।